बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद और मैं अपने चैनल सऊद सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, इसके एक्सरसाइज नंबर 7.2 है और पेज नंबर है आपके पास 232। इस पे मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो मैं इसको बुक से पढ़ के इसका सोल्यूशन डिस्कस करूंगा और देखूंगा कि इसमें कुछ पार्ट्स हैं या ये सिंगल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट नेचुरल नंबर्स, कितने मुख्तलिफ नेचुरल नंबर्स कैन बी फॉर्म बना सकते हैं लाइन बिटवीन जो मौजूद होंगे 1000 और 10000 के दरमियान आउट ऑफ द डिजिट्स 0, 1, 2, 5, 7, 9 एंड ? इसका मतलब है ये पूरा एक सवाल बन गया, एक पार्ट बना लिया मैंने। अब इसका सोल्यूशन यहाँ डिस्कस करते हैं। पार्ट वन, 1000 और 10000 के दरमियान, इनके दरमियान कितने नंबर्स हैं वो मालूम करना है, टोटल नंबर्स, ठीक है। इन डिजिट्स से बना सकते हैं, डिजिट्स आपको दिए हुए 0, 1, 2, 5, 7, 9। अब हम इसको किस तरीके से बनाएंगे कि कितने डिजिट्स का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये हमें ये बताएगा है वर्डिंग। देखिए इसमें कितने डिजिट आ रहे हैं, 4, इसमें कितने आ रहे हैं, 5, तो हमें इसके दरमियान ही रहना है, यानी कि 1000 और 10000 के दरमियान। तो 10000 में से एक माइनस करेंगे तो आपके पास 9999 होगा, 4 डिजिट नंबर होगा, तो हमें 4 डिजिट का नंबर ही बनाना पड़ेगा। तो यहां पे लिख भी दिया मैंने ये रेड मार्कर से, नंबर्स ग्रेटर देन 1000 से बड़े होने चाहिए, वो भी 4 डिजिट का नंबर होगा, एंड लेस देन होने चाहिए 10000 से, तो 10000 से लेस देन करेंगे, एक भी माइनस करेंगे तो 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब 4 डिजिट नंबर हमें बना रहे हैं। एन ऑफ एस मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा इसको जरा समझिएगा। देखिए यहां पर हमें 10000 से बड़े नंबर बनाने हैं, बड़े और 1000 से बड़े नंबर बनाने हैं और 10000 से छोटे। तो इसका मतलब है अगर मैं यहां पर ये आपके पास हो गया यूनिट प्लेस, ये 10, ये 100 और ये 1000, ये गिनती हमारा ऐसी शुरू थी, यूनिट 10, 100, 1000। अगर इस जगह मैं यहां पे इस तरीके से ऐसे लिखता हूं, इस जगह पर 1 पुट करूं तो 1000 से बड़े नंबर बनेंगे, 2 पुट कर देता हूं तो फिर भी 1000 से बड़े नंबर बन जाएंगे, अगर 5 पुट कर देता हूं तो फिर भी 1000 से बड़े नंबर बनेंगे, और 7 पुट करता हूं तो फिर भी 1000 से बड़े नंबर बनेंगे, और आखिरी डिजिट 9 पुट करता हूं तो फिर मुझे 1000 से बड़े नंबर मिल जाएंगे। अब इनमें 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई भी वर्ड यहां पे आएगा तो 1000 से बड़े नंबर बन जाएंगे। तो आपके पास तरीके कितने हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 आप तरीके काउंट आउट करके यहां पे लिखते हैं 5, काउंटिंग प्रिंसिपल के हवाले से 5 तरीके हैं आपके पास। इसमें से जो लेटर भी आ गया उसको एक माइनस कर दीजिए और बाकी यहां पर बचे, जिसे मिसाल के लिए 9 आ गया, 9 आपने पुट कर दिया, 5 तरीके, 5 में से एक नंबर आपने उठा लिया, 9 कर दिया, अब इसको हटा दे माइनस। सेकेंड जगह को फिल करने के कितने तरीके काउंट करें, बीच में 0 भी आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 फिर 5 तरीकों से फिल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7, तो तरीके कितने हैं 5, ठीक है। अच्छा अब मिसाल के तौर पर 7 पुट कर दिया आपने, इसको माइनस कर दीजिए, इस तीसरी जगह को फिल करने के कितने तरीके काउंट करें, 1, 2, 3, 4 4 में से कोई एक वर्ड आप पुट कर देंगे, मगर तरीके आपके पास कितने हैं, 4 तरीके। फिर एक नंबर आपने पुट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल 5 पुट कर दिया, अब आखिरी डिजिट को भरने के कितने तरीके, या तो आप 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, या 2, ये एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो 3 तरीके हैं जिनसे आप इसको क्या करेंगे, फिल कर सकते हैं। अब फंडामेंटल रूल के तहत आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन बनाए, 5 × 5 × 4 × 3 सबको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा रिजल्ट, 300 वेज। तो इसका मतलब है कि आप 300 ऐसे नंबर्स बना सकते हैं 1000 और 10000 के दरमियान जो 1000 से बड़े होंगे
और 10,000 से छोटे नंबर्स होंगे, उनकी तादाद कितनी आएगी? 300 नंबर्स आएगी। ये पहला पार्ट आपने सॉल्व कर लिया, नोट डाउन कर लीजिए इसको स्टूडेंट्स। अब हम इसके सेकंड पार्ट की जानी बढ़ते हैं, जो पूछ रहा है हाउ मेनी ऑफ देम, इनमें से कितने नंबर विल नाइदर बी डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। इसमें से आपको उन नंबर्स की तादाद बतानी है जो 5 से डिवाइड नहीं होते और ना ही वो 2 से डिवाइड होते। इसका मतलब है पहले हमें वो नंबर्स मालूम करने पड़ेंगे जो 2 से डिवाइड होते होंगे, और वो नंबर्स मालूम करेंगे पड़ेंगे जो 5 से डिवाइड होते होंगे। अच्छा जी, सेकंड पार्ट की मैंने यहां पे हेडिंग डाली है, अब मैं यहां पे लिखूंगा टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, 2 से जो डिवाइड होते हैं बिटवीन 1000 एंड 10,000 के दरमियान। और डिजिट फॉर्मेशन वही 4 डिजिट नंबर बनाना है आपने, डिजिट इस्तेमाल यही करने हैं आपने, एनएफएस 1 2 3 4 बॉक्स बना लें और वही काम कर लें, यूनिट 10 100 1000 लिख दीजिए इस पे। अब देखिए 2 से डिविजिबल नंबर वो होगा जब आप इस यूनिट प्लेस पे इन डिजिट में से 0 अगर पुट कर देंगे या फिक्स कर देंगे। 0 को पुट करने का तरीका एक ही तरीका, क्योंकि 0 एक दफा काउंट हो रहा है, अब बाकी जगह फिल करने है यहां से। तो देखिए 0 को आपने हटा दिया, फिक्स कर दिया, अब इस पहली जगह को फिल करने के कितने तरीके? 5 तरीके, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक लेटर आएगा यहाँ पे, आपने फिक्स कर दिया, 1 माइनस कर दिए, 5 माइनस 4, 4 तरीकों से फिल करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 3, इस जगह को 3 तरीकों से जो है पुट कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। अब फंडामेंटल रूल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना आ गया, 5 × 4 × 3 × 1 60 ways। तो 60 तरीके हो सकते हैं कि अगर आपके पास 0 को आप यूनिट पे फिक्स करें तो 2 से डिविजिबल होंगे और उनकी तादाद कितनी होगी, 60 होगी। अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि n of s 1 2 3 4, अब आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पे इसको इसकी जगह यहां पे 2 पुट कर देंगे। अब देखिए अगर यूनिट प्लेस पे 2 आ जाएगा, फिक्स कर दूं, तो 2 से पूरा नंबर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, जैसे 52 लाइक, तो आखिरी डेट पे यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो पूरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 2 एक दफा आ रहा है, 2 फिक्स कर दिया, इसको इसका फिक्स करने का एक ही तरीका है, अब इसको हटा दें यहां से, अब इस जगह को फिल करने के कितने तरीके, 1 2 3 4 5, 5 तरीके, 5 में से कोई एक लेटर आ गया, अब एक कम कर दीजिए, इस जगह को फिल करने के कितने तरीके, 4 तरीके, फिर एक फिल कर देंगे, 3, सबको मल्टीप्लाई करेंगे 60 वेज। तो इसका मतलब ये है अगर आखिरी यूनिट प्लेस पे 0 पुट कर देंगे, फिक्स कर देंगे, तो 60 नंबर्स आ जाएंगे जो 2 से डिवाइड होंगे, और आखिरी नंबर यूनिट प्लेस पे 2 को फिक्स कर देंगे तो इसका मतलब 2 से डिविजिबल होने वाले आदाद या नंबर्स कितने आ जाएंगे, 60। हमें टोटल नंबर्स मालूम करने हैं तो मैंने टोटल नंबर्स लिखा, 60 + 60 को ऐड कर दूंगा, 120 वेज हो जाएगा। ये तो सिर्फ अभी मैंने 2 से डिविजिबल वाले नंबर निकाले, अब 5 वाले बाकी, 5 वाले देखिएगा, टोटल नंबर्स डिविजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड हो बिटवीन 1000 एंड 10,000 के दरमियान, डिजिट्स यही इस्तेमाल करना है, 1 2 3 4, क्योंकि 4 डिजिट का नंबर बनाना है। अब 5 से डिवाइड तभी होगा जब इनमें से 5 एक ही नंबर है जिसको मैं यूनिट 10 100 1000 यूनिट के प्लेस पर 5 को फिक्स कर दूंगा, 5 एक ही दफा आ रहा है तो एक दफा इसका रिजल्ट लिख दिया, अब बाकी को फिल करना है, इस 5 को हटा दिए। अब देखिए पहले को फिल करने के कितने तरीके, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट, एक कम करें 4, एक कम करें 3, अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास रिजल्ट कितना आ रहा है, 60 वेज आ रहा है, कितना आ रहा है, 60। इसका मतलब यह है कि टोटल नंबर अभी मालूम करूंगा उन आदाद के जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं और 5 से होते हैं। भाई 2 से कितने डिविजिबल होते हैं, 120, और 5 से कितने होते हैं, 60, 120 प्लस 60 कितना होता है, 180 वेज। मगर सवाल ये पूछा जा रहा है कि उन नंबर्स की तादाद बताओ जो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते 2 से या फिर 5 से,
ये तो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होते हैं, हमें ना होने वाले डिविजिबल ना होने वाले आदाद की तादाद मालूम करनी है। तो यहां पे देखिए लास्ट में मैंने सॉल्यूशन डिस्कस किया है, फाइनल रिजल्ट, टोटल नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 10000 व्हिच आर नाइदर डिविजिबल बाय 2 नॉर 5, जो ना तो 2 से डिवाइड होते हो ना 5 से, तो क्या करेंगे बेटा, हम पहले वाले पार्ट में टोटल तादाद मालूम कर चुके थे कि इतने नंबर्स ऐसे हैं जो 1000 से बड़े और 10000 से छोटे होंगे, 300 नंबर्स। तो 300 में से ये 180 को माइनस कर देंगे जो होते होंगे, तो हमारे पास ना होने वाले नंबर्स जो डिविजिबल होंगे वो आ जाएंगे। तो 300 माइनस 180 120 वेज, और ये 120 वेज ही इस सेकंड पार्ट का आखिरी आंसर कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि 120 आदाद या नंबर्स ऐसे होंगे 1000 और 10000 के रेंज के दरमियान जो के एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते ना तो 5 से ना ही 2 से, और उनकी तादाद कितनी है 120 वेज। तो सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। और इसके साथ ही हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नए सवालों के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सऊद सॉल्यूशंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।